सशस्त्र सुरक्षा बल में तैनात हेड कांस्टेबल ने अपनी मंगेतर अर्चना की करी हत्या। इटावा में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाइन सफारी के पास की है घटना। अरुणाचल प्रदेश में तैनात है हत्यारोपी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल का जवान। मंगेतर को बातचीत करने के लिए बुलाया था, उसके बाद हत्या करके हो गया फरार। मंगेतर की गला दबाकर हत्या कर सबको फेंका। नवंबर माह में होनी थी शादी, आरोपी जवान गिरफ्तार। इटावा जनपद के सिविल लाइन पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मंगेतर को घर से बुलाकर गला दबाकर हत्या की गई थी। हत्या से पहले सिर पर किसी वजनदार चीज से प्रहार कर घायल किया गया था। यह सब कुछ गिरफ्तार किए गए हत्यारोपी ने स्वयं कबूल किया है। आरोपित सीमा सुरक्षा बल में जवान है। सिविल लाइन थाना पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसका किसी अन्य लड़की से शादी करने का फैसला था, लेकिन परिजनों ने दबाव में शादी करने को राजी कर लिया था। वह शादी के लिए मंगेतर के पिता से 7.5 लाख रुपए भी ले चुका था। इटावा सफारी पार्क के सामने सोमवार की रात एक युवती का शव बरामद किया गया था। मंगलवार को परिजनों ने शव की शिनाख्त किए जाने और आरोप लगाए जाने के बाद युवती के मंगेतर को सीओसीटी अमित कुमार सिंह के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका अर्चना सिंह 25 वर्षीय पुत्री लल्ला सिंह बैतपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम रायनगर की रहने वाली थी। लल्ला सिंह पुलिस लाइन बरेली में हेड कांस्टेबल हैं। परिजनों के मुताबिक अर्चना की सोमवार की दोपहर मंगेतर नीलेश पुत्र नेत्रपाल सिंह निवासी नंगला अर्जुन जसवंत नगर ने बातचीत करने को मिलने के लिए बुलाया था। इस पर अर्चना उससे मिलने के लिए दोपहर 12 बजे अपने घर से निकल गई थी। हत्यारोपी नीलेश सीमा सुरक्षा बल में जवान है और वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। दोनों की शादी आगामी नवंबर माह में होने वाली थी। गत 6 जुलाई को शादी तय होने के बाद गोद भराई रस्म हो चुकी थी। देखिए, कल हमें थाना क्षेत्र सिविल लाइन्स में लायन सफारी के पास एक लावारिस दशा में स्कूटी के खड़े होने की सूचना मिली थी। उस दौरान वहां पर थाना पुलिस गई थी और उसने काफ़ी सर्च अभियान चलाया था और उसमें कोई ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई थी, लेकिन स्कूटी के नंबर से ये पता चला कि ये भला की है। और जिसके आधार पर उनसे जब बात की गई तो पता चला कि उनकी बेटी स्कूटी लेकर के निकली थी। इस प्रकरण में पुनः सर्विलांस सेल एसओजी और थाना सिविल लाइन क्षेत्र की पुलिस वरिष्ठ अधिकारीगण सभी लोगों ने काफ़ी पूछताछ की। उसमें प्रकाश में आया कि नीलेश कुमार नामक एक व्यक्ति हैं जो एसएसबी में कार्यरत हैं, उनके द्वारा उनकी शादी तय हुई थी 6 जुलाई को और उनके साथ वो लड़की निकली थी। और जब उनसे हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा घटना कैसे कारित की गई है। उनके द्वारा जा करके जो डेड बॉडी थी उसकी बरामदगी की गई है। डेड बॉडी को एक टीले से ऊपर से नीचे फेंक करके उसको पत्तियों और झाड़ियों से छिपा दिया गया था और डेड बॉडी रिकवर करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसमें नियमानुसार अभियोग पंजीकृत किया गया है, अग्रेतर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। का जो मोटिव निकल के आया है अभी प्रारंभिक पूछताछ में, उसमें ये प्रकाश में आया है कि ये किसी दूसरी कोई इनकी परिचित लड़की है जिनसे ये बात करते थे और उसी से शादी करना चाहते थे। और इसका कहना है कि लड़की के जो मृतका हैं इनके पिता इनके ऊपर दबाव बनाते थे कि तुमको इसी से शादी करना अन्यथा हम तुमको जेल भिजवा देंगे। इस तरह के तथ्य प्रकाश में आया। जो आरोपी है नीलेश किस जगह सेवारत है और कब यहाँ पर इटावा आया था, इसके बाद वो उसने अपनी मंगेतर की हत्या की? ये 10 दिन की छुट्टी पर आया था और एसएसबी में कार्यरत है। ये वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश में पोस्टिंग है इनकी और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट।